स्टूडेंट्स आज हमारा प्रॉफिट है प्रॉफिट व डिविजिबल प्रॉफिट मैं यहाँ से कुछ लाइन डिक्टेट कर रही हूँ यू कैन हेयर डेट ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी सेट टू बी एडविजिबल तमाम प्रॉफिट जो है उसको आप डिविजिबल नहीं कह सकते कंपनी के सिर्फ वो पोर्शन ओनली दूस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट सिर्फ वो प्रॉफिट का पोर्शन विच कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूट जो कम्पनी, कम्पनी dividend, dividend है लीगली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो अपने शेयर होल्डर्स के दरम्यान में ऑफ द कंपनी कंपनी के इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिविडेंड की फॉर्म में सिर्फ हम उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट ठीक है प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट के नेचर वो है जो आप अर्न करते हो अपनी बिजनेस के दौरान ठीक है आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग आपको प्रॉफिट कहलाती है बट हर प्रॉफिट वो कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट नहीं होता सिर्फ वो पोर्शन जो कि आपके एग्रीमेंट के थ्रू प्रिस्क्राइब होता है कि कितने परसेंट आपने शेयर होल्डर को डिवाइड करना है बाकी आप अपनी कंपनी के लिए रखते हो इन फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व और ऑल केसेस ओके नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स अगर हम पढ़ें डिविजिबल प्रॉफिट के तो सबसे पहले है प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू जीरो फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन अच्छा डेप्रिसिएशन के बाद अपना प्रॉफिट काउंट आउट करना है देखें डिविडेंड कैन बी पेड बाय अ कंपनी ओनली आउट ऑफ करंट प्रॉफिट जो करंट प्रॉफिट आपका हो रहा है इन इंश्योर जो ईयर आपका कंटिन्यू हुआ है उसके एंड द प्रॉफिट मेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड बोथ राफ्ट आफ्टर प्रोवाइडिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इन अकाउंटेंट विद द प्रोविजन ऑफ कंपनी वो कहते हैं कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग आपने सिर्फ जो पेड करना है वो आपका करंट प्रॉफिट है और जो पास प्रॉफिट है वो रिमेन अगर है तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है रिमेनिंग अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो बहुत सा कब करेंगे जब आप अपनी डेप्रिसिएशन काउंट आउट कर लेंगे अब डेप्रिसिएशन आपके फिक्स एसेट्स पे काउंट आउट की जाती है देखें मैं कहती हूँ मेरे कंपनी का प्रॉफिट इस साल फिफ्टी थाउजेंड रहा है एज रिज्यूम्ड बट जो मेरी मशीनरी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ उस पर टेन टेन थाउजेंड डेप्रसीट हुआ है इस ईयर में तो इन शॉर्ट मेरा ओरिजिनल प्रॉफिट जो राय गया वो फोर्टी थाउजेंड था तो कह रहे हैं कि आप अपने प्रॉफिट को प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन काउंट डाउन करने के बाद ही काउंट कर सकते हैं और उसको फिर ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब नेक्स्ट पे आए तो वो सेकंड कहते हैं डिविडेंड फॉर्म रिजर्व डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ द एक्यूमलेटेड पास प्रॉफिट ऑफ अ कंपनीज कैपिटल रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज रजिस्टर्ड इन दिस रिगार्ड और विच इज टू बी एन अप्रूव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा वो कहते हैं कि आप जो डिविडेंड पे आउट कर रहे हैं वो आपका पास प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का है अगर तो आप उसको रिजर्व के फॉर्म में भी रखते हैं बेटा रिजर्व में आपको पहले क्लियर कर चुकी थी वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट जो आप अपने पास रखते हो इन केस ऑफ समथिंग फ्यूचर लॉस के लिए ठीक है और डिविडेंड वो अमाउंट जो आप देते हो वो कह रहे हैं हमने डिविडेंड से भी रिजर्व रखना है जो कि प्रिस्क्राइब प्रोविजन अप्रूव आफ्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही होगा और इसके लिए हम सेक्शन थ्री टू एट थ्री और सेक्शन टू टू जीरो फाइव थ्री यूज़ करते हैं जो कि कंपनीज़ एक्ट नाइनटीन सेवेंटी फोर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अब नीचे ना इन्होंने ये रूल्स किए हुए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए थे कि अगर एबसेंट और इनोक्स हो जाए प्रॉफिट में इन एनी ईयर एन एन किसी भी साल में तो डिविडेंड को आप डिक्लेयर कर सकते हो बाय द कंपनीस आउट ऑफ द अक्यूमिटेड पास प्रॉफिट के अकॉर्डिंग तो नीचे कुछ कैन ओनली डीट आउट द